famous, what they call me. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेट पर। दोस्तों, आज सॉलिडवर्क्स में एक हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 10 एंड वी आर क्रिएटिंग द 3D मॉडल। एक मॉडल आपके सामने है जिसके सारी डायमेंशन आपको दी हुई है और ये प्रोजेक्शन दिए हुए हैं आपका साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। डायमेंशन जहाँ पर आप अगर ऑर्थोग्राफिक व्यूज में अगर आपको साइज नहीं दिखाई देती है तो आप 3D मॉडल में इसके साइज को देख के आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको देखें 60 एंड 60 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपकी यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 60 डिस्टेंस एंड 20 रेडियस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो होल का रेडियस आपको यहाँ पर आर यानी 40 डायमीटर दिया हुआ है, तो 20 रेडियस। और यहाँ पर भी प्रत्येक का साइज आपका 20 रेडियस का है, जहाँ पर भी आपको कर्व शेप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो 20 प्लस 20 नीचे आपका 40 यानी 100 की एक लेंथ एक स्क्वायर शेप में आप यहाँ पर बना दीजिए, ठीक है। 40 देन आफ्टर दैट 12, तो ये भी डिस्टेंस आपको 100 से 20 है, तो इसको 20 यानी 40 डिस्टेंस आपका नीचे की तरफ यहाँ पर आएगा, फिर वहाँ से 12 डिस्टेंस आप यहाँ ले, ठीक है। ये डिस्टेंस भी आपके 20 प्लस 20 यानी 40 डिस्टेंस आपका हो गया। तो जस्ट आप ओपन करें ऑटोकैड को, फ्रंट व्यू सिलेक्शन कीजिए नॉर्मल, और स्केच में आप लाइन के थ्रू तो करें 100 40 40, से आप एक बार इसको बना लीजिए। ये आपके डिस्टेंस आपका 100 40 12 40 40 ये डिस्टेंस भी 12 तो इस डिस्टेंस को आप डिलीट कीजिए। क्योंकि यहाँ से आपको डिस्टेंस नहीं दी हुई तो इसको एक बार आप डिलीट करके और ये डिस्टेंस आपको यहाँ पर 12 दे। एग्जिट, फीचर्स एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में ये डिस्टेंस आपकी 12 प्लस 12 24 प्लस 12 60 14 40 डिस्टेंस एन ओके। आप फिलेट में जाएंगे, फिलेट में आप यूज करें फुल राउंड फिलेट, फर्स्ट फेस क्लिक करें, सेकंड फेस सेलेक्ट करें, थर्ड फेस ओके। इसी तरह से वापस फिलेट, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, रिमूवल फेस एंड थर्ड फेस आपका ये रहेगा। Then okay,
नेक्स्ट, नीचे वाला फेस आपका, और यहाँ से फिलेट फर्स्ट सेलेक्ट रिमूवल फेस, डिलीट करें इसको क्योंकि एक ही साथ एक फेस सेलेक्ट हो गया था, इसको सेलेक्ट करें एंड ओके। यहाँ पर आपको एक सर्कल आप ड्रॉ करें और इस सर्कल का साइज आपका 16, सर्कल का साइज दिया हुआ है यहाँ पे 16 डायमीटर। एग्जिट फीचर्स एक्सट्रूड कट अप टू लास्ट 40 डिस्टेंस देन ओके। इसी प्लेन को आप सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल, और यहाँ से स्केच में जाके एक रेक्टेंगल शेप आप ड्रॉ करें, रेक्टेंगुलर शेप जो कि इस बाउंड्री से बाहर जाए, यानी आपका जो 3D मॉडल है उससे बाहर आप रहना चाहिए क्योंकि मेटल रिमूव हो रहा है। तो मेटल रिमूव वहीं से होगा जहाँ आपका मटेरियल होगा, और यहाँ से आप देखें एग्जिट करें, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट का ऑप्शन है सेलेक्ट करें, और इसको आप 16 डिस्टेंस यहाँ पर देते हैं और जस्ट ब्लाइंड करें मिड प्लेन देन ओके। तो 16 डिस्टेंस हमने इस ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर 16 डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर प्लेन हमने सेलेक्ट किया था, देन जस्ट ओके। सेम इसी तरह से फेस को सिलेक्ट करना जहां पर इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट आएगा, ये सेंटर आपको दिख रहा है, तो सेंटर सेलेक्ट करें, सर्कल ड्रॉ करें और यहां से 16 डायमीटर का एक सर्कल, एग्जिट फीचर्स में जाएं, यहां से एक्सट्रूड कट सेलेक्ट एंड अप टू नेक्स्ट, और सेम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच सर्कल एग्जिट फीचर्स एक्सट्रूड कट ओके। तो अगर आप डायमेंशन को चेक करना चाहें मेजर, या आप इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें 60 डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 60 एंड ओके। तो राइट, एंड कलर फिल करने के लिए कलर में जाएंगे, कलर ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहां से आप पार्ट मोड पे सेलेक्ट कीजिए। पार्ट मोड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहां से कलर को सेलेक्ट कीजिए कि किस तरह का कलर आपको फिल देना है ओके। तो ओके, तो ये शेप आपको एक 3D मॉडल यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा है। और अगर सपोज आप यहाँ से फिलेट में जाएं और राउंड आपको लेना है, ठीक है, राउंड में आप इस पर क्लिक करेंगे, एज को सिलेक्ट कीजिए, 5 रेडियस यहाँ पर that is, this is our object front view wireframe right view. That top and isometric
थैंक यू।